सो गाइस देख सकते हो वहाँ पर एकदम भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी पूरा जंगल में घुसा दिया और जो ड्राइवर था वो पूरा दारू पिया हुआ था। तो गाइस पूरा रात हो चुका है देख सकते हो आप, तो भाई लोग पूरा अंधेरा हो चुका है देख सकते हो आप। अभी गाड़ी का लाइट जलाना पड़ेगा मुझे तभी कुछ बिजली का थोड़ी देर बाद। तो आप लोग मैं सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और ये मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक तो तो सो ऑल राइट गाइस, वन सेकंड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। सो ब्लॉग का स्टार्ट करते हुए अपना भाई लोग मिल गया यहाँ पर देख सकते हो। भाई लोग मेरा चैनल दिखा रहा है यूट्यूब में, वीडियो शॉर्ट्स तो पहले से फॉलो कर गया चल भाई गेम चलो बाय 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 बाय। सो गाइस ब्लॉग स्टार्ट करते साथ भाई लोग मिल गया था वहाँ पर और भाई लोग थोड़ा मेरा एक्टिंग कर रहा था। सो अच्छा लगा भाई लोग से मिल करके। अभी चलते हैं सीधा कहीं अच्छी जगह पे, सोच रहा हूँ आज हिल जाऊँगा और वहीं पर थोड़ा मोटर ब्लॉगिंग करूँगा। सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मुझे भी, मुझे ब्लॉग बना के मज़ा आएगा, आप लोगों को ब्लॉग देख कर मज़ा आएगा। बाइक को हल्का सा खींचते हैं, हाईवे है ऊपर से हल्का सा टॉप एंड उठाते हैं, देखते हैं कितना उठता है। रोड तो पूरा खाली हो रखा है। और इसके बाद हम लोग बाइक धीरे धीरे चलाएंगे। एक सौ 30 उठा दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग स्लोली स्लोली बाइक राइड करेंगे। हल्का सा गाड़ी टान के देखा हम लोग ने, गाड़ी अच्छा खासा ही उठ गया स्पीड। और थोड़ा लंबा रोड होता तो और थोड़ा टॉप एंड उठता इसका। तो अभी चलते हैं अपना दोस्त को सबसे पहले लेते हैं और उसके बाद कहीं चलते हैं अच्छा जगह मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को। सो अभी सबसे पहले दोस्त को उठा लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे राइट पे और अभी चलते हैं सीधा हिल साइड में और वहाँ पर थोड़ा इन्जॉय सुन्जॉय करते हैं और वहाँ पर हम लोग रहते हैं। सो आज के ब्लॉग में मैं मोटर ब्लॉगिंग करने वाला हूँ और आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो रोड में निकल चुके हैं। सो ये गाइस ये कलकत्ता वाला रोड है अपना और यहाँ से कलकत्ता बिहार सब जाता है। जो लोकल का भाई लोग होगा उन लोगों को तो पता होगा। तो अभी मैं मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ हौले हौले धीरे धीरे करके और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बाइक में जैसे फर्स्ट टाइम मोटर ब्लॉगिंग हो रहा होगा तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो अभी अपना बागडोरा पूरा चेंज हो रहा है देख सकते हो आप, पूरा हाईवे वे बन चुका है। अब पहले कुछ अलग ही नज़ारा था, अभी आने वाला कुछ सालों में कुछ अलग ही हो जाएगा, साइज से पहचानना मुश्किल होगा। तो सो गाइस अभी हम लोग हौले हौले बाइक चला रहे हैं स्लोली स्लोली बिना रेस ड्राइव करते हुए। क्या कर रहे हो भैया, सिग्नल उग्नल कुछ देख रहा नहीं है यार और डायरेक्ट पार होने की कोशिश में जारी है। ऐसा करने से तो भाई लोग अलग ही लेवल का सीन क्रिएट हो जाता है और आगे तो भाई लोग एकदम ठंडा होने वाला है। जैकेट जुकेट तो मोजा सुजा जूता सुता तो सब लगा चुके हैं हम लोगों ने, फिर भी चल रहे हैं। और ये चाचा एकदम भागने में जुड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही लेवल का खुशी मिल रहा है मुझे। अभी हौले हौले चल रहे हैं हम लोग एकदम धीरे धीरे। तो अभी सबसे पहले हिल साइड चलेंगे और भाई का सबसे पहले अपना बाइक ले लेते हैं। तो
तो सबसे पहले भाई अपना बाइक ले लेता है, उसके बाद निकलते हैं राइड पे। भाई अपना बाइक लेके नहीं आया है, अभी मेरे बाइक में बैठा हुआ है मेरे साथ में। जब भाई अपना बाइक ले लेगा तब हम लोग स्लोली स्लोली राइड करेंगे। तो सबसे पहले भाई का बाइक लेने चलते हैं हम लोग। सो गाइस गुड इवनिंग, अभी हम लोग निकल चुके हैं राइड पे। हम और मेरा दोस्त बाइक लेके आ गया, दोस्त ने अपना बाइक ले चुका है। अभी हम लोग दोनों जन निकल गए राइड पे ओले ओले। तो दोस्त अपना बाइक भगाने में बिजी है, इनको पता नहीं हम लोग को अभी शॉर्टकट मारना पड़ेगा, एमएम ड्राइव से निकलना पड़ेगा यहाँ से। फुल सेफ्टी के साथ अभी हम लोग जंगल के बीच में राइड कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है साइड से, कुछ हुआ है क्या, एक्सीडेंट हुआ है क्या, बागडोर फॉरेस्ट है। अरे अरे भाई लोग देख सकते हो, कार तो पूरा अंदर जा चुका है। अरे अरे देख रहे हो, आ देखते आ जा। तो भाई लोग यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है भयंकर वाला, पता नहीं रे तो खुद ही अभी आया, खतरनाक हो गया था। बाइक का हालत तो, गाड़ी का हालत तो एकदम खराब हो गया। किसका गाड़ी है? फासी का गाड़ी है। नाम की हुआ ना? हम बोलते पार बोल रहे। पूरा दारू पिया होगा। वो तो पिया ही था। देख के लगा था। दारू कैसे लो तुम? बेचो मना। चल निकलते हैं हम लोग, लेट हो जाएंगे तो। तो गाइस देख सकते हो वहाँ पर एकदम भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया था, और गाड़ी पूरा जमीन में जंगल में घुसा दिया, और जो ड्राइवर था वो पूरा दारू पिया हुआ था, इसी वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हुआ है। अच्छा हुआ कोई बाइक वाला उसका चपेट में नहीं आया, वरना बाइक वाला को भी लेके चला जाता साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और बेचारा जो था वो पता नहीं बहुत सीरियस कंडीशन में, और उसको लेके गया एम्बुलेंस में। भाई ओ भाई, ब्लॉग का स्टार्ट करते हुए एकदम खतरनाक वाला वो मिल गया सीन। आम आम यार, खतरनाक खतरनाक हो गया। तो चलो निकलते हैं हम लोग, चलो। इसलिए बोलता हूँ हमेशा सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाओ। आई थिंक शाम हो चुका है, सो उसके लिए सॉरी, लेकिन दिन में निकले थे, लेकिन राइड करते करते शाम हो चुका है, और काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बागडोगरा फॉरेस्ट में, और ये जंगल के बीच में हम लोग राइड कर रहे हैं। सबसे पहले अभी सीधा रोड पे निकलते हैं राइड करते करते, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फाइनली हम लोग रोड पे पहुंच चुके हैं गाइस, और जाम जुम लग चुका है पूरा गाय लोग का। तो सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर रुके हुए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मेरे दोस्त। तो भाई तुमको रेस्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया। अच्छा लगा? मेरे पीछे आपको 40 आदमी देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भैया, ऐसा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा कहा बोली हम का, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है, चल चल। तो अपना दोस्त बिजी है अभी, तो अभी निकलते हैं हम लोग राइड पे। और सबसे पहले जैकेट जुकेट तो लगा लिया है हम लोग ने, अभी चेन चुन लगा लेते हैं, वरना भाई लोग दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस निकल रहे हैं अभी यहाँ से भी,
हम लोग का एक्चुअली प्लान है हिल साइड जाने का, और मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन देखते हैं। यहीं पर ठंडा तो एकदम तगड़ा लग रहा है भाई लोग, सबसे ज़्यादा ठंडा लग रहा है हाथ में, और हाथ में ठंडा लग रहा है तो पूरा शरीर में बॉडी में ठंडा लग रहा है, बाकी का कहीं ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि हाथ ही में सबसे ज़्यादा ठंडा लग रहा है। भाई के पास ग्लव्स है, तो भाई अभी ग्लव्स ले लेते हैं हम लोग। सो गाइस, अभी मेरा दोस्त वीली मारने का प्रैक्टिस करेगा, मतलब ट्राई करेगा, तो देखते हैं। चलो करो करो कर कर, उसके बाद क्लच छोड़ो बोका, और एक्सीलेटर दे, और एक्सीलेटर। अभी एक्सीडेंट हो जाता पता है उनका, और एक्सीलेटर। तो मैं दोस्त बिल्ली मारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन भाई से आगे चक्का ही नहीं उठ रहा है, अफसोस की बात। छोड़ दे भाई, नहीं होगा तेरे से। और एक्सीलेटर भाई, जितना भी ट्राई कर ले नहीं होगा, भाई का स्किल थोड़ा कमज़ोर है। रास्ता तो पूरा ख़राब हो रखा है, आप देख सकते हो। अरे भाई आराम से चल थोड़ा, पता नहीं कौन सा रास्ता में लेके आ गया, और जंगल के बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं। और तो अभी हम लोग पहाड़ को शुरू आ चुके हैं, और पूरा रात हो चुका है देख सकते हो आप, और दिन में निकला था अभी, यहाँ पर रात क्योंकि अलग जो गाइड है सबसे पहुँच पाते नहीं पाते बोल नहीं सकते, और भाई लोग ठंडा तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पहुँचते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो भाई लोग भूख लग गया, फिर जाते हैं कहीं आगे, उसके बाद से बदल लग जाते हैं।